मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इत्काल के बाद भले ही हिंदुस्तान की मिट्टी नसीब ना हुई हो, लेकिन इस बार उनके उर्स पर, उनकी मजार पर जो चादर पेश की जाएगी, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हिंदुस्तान से म्यांमार पहुंचेगी। इस खास चादर को बनाने का जिम्मा अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मुनीउद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्थाएं संभालने वाली दरगाह कमेटी को सौंपा गया था। आज अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने इसे भेजने से पहले खबरन्नी वेशों के सामने नुमाइना किया। दिन जिंदगी खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुछ है मजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी ना मिली कुए प्यार में। इन पंक्तियों का दर्द यदि महसूस किया जाए तो पता चलता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत थी। अंग्रेजों ने भले ही उन्हें यहाँ से कैद कर रघुना भिजवा दिया हो, लेकिन उनकी हर सांस में हिंदुस्तान की महक थी। जफर की शायरी में भी उनके वतन की मिट्टी से महरूम होकर एक गैर मुल्क में दफन होने का दर्द साफ सुनाई देता है, लेकिन कहते हैं कि वतन पर मरने वालों का रिश्ता कभी अपने वतन से टूटता नहीं है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद अब उनके और हिंदुस्तान के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है। इस नए रिश्ते में सूफिज्म की रूहानी महक भी है और राजस्थान की मिट्टी के रंग भी। सर, ये चादर अपन ने खासियत इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार की है कि हिंदुस्तान से अपने जा रही है अपने मुल्क की जानिब से बेहतर चीज़ में इस्तेमाल की जाए। इसमें अपन ने बंदेज बनवाई गई है, उस पर बनारसी काम है, उस पर गोटा पत्ती का अपने वर्क किया है। इसी तरह जैसे कि इससे पहले सर जनाब गोविंद सिंह जी लेके गए थे चादर, वो भी मैंने ही बनाई थी, उसे मखमल में टचिंग करी थी। उन्होंने इस बार कहा कुछ अलग सा बने, तो हम लोगों ने मिलकर कोशिश करके इसको बंदेज उसमें एक नया लुक दिया है जो हमारे राजस्थान की भी थीम नज़र आए इसके अंदर और हमें अच्छा से अच्छा बेहतर लगे। एक अपने आप में एक अजीब सी खुशी है कि हमने कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करा और हम इस काबिल हुए कि इसको कुछ करने के लिए बने। आज हमें हमारे महसूस हो रहा है कि हमारे फादर ने जो हमें हुनर सिखाया वो आज हमारे देश के लिए काम आ रहा है। यह नया रिश्ता भारत सरकार की पहल पर शुरू किया गया और तय किया गया कि हर साल बहादुर शाह सफर के सालाना उर्स पर उनकी मजार पर पेश की जाने वाली चादर सूफी संत ख्वाजा मुनीउद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से तैयार होकर जाएगी। यह लगातार दूसरी बार है जब अजमेर शरीफ से तैयार चादर को रघुना भेजा जा रहा है। आज अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने दरगाह कमेटी की ओर से तैयार खास चादर को खबरन्वीसों के सामने नुमाइना किया। बहादुर शाह जफर की मजार पर पेश की जाने वाली यह चादर खास तौर पर हिंदुस्तान की सरजमी की खुशबू को समेटे हुए है। बनारसी कपड़े पर राजस्थान बंदेज की कारीगरी से इस चादर को सजाया गया है। खास तौर पर मंगवाए गए मोतियों से इनकी सजावट की गई है। हिंदुस्तान की भावनाओं के मद्देनजर यह चादर भगवा रंग में तैयार की गई है, जिसमें शांति के प्रतीक सफेद गुलाब के फूलों को काश्तकारी से उकेरा गया है। खानदानी तौर पर दरगाह शरीफ के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चादर बनाने का काम करने वाले लियाकत अली ने लगभग एक सप्ताह की कड़ी मेहनत से इस चादर को तैयार किया है। बादशाह बहादुर शाह जफर जी का मजार जो म्यांमार में स्थित है, उसके लिए हमारे अजमेर दरगाह शरीफ से ये चादर पेश की जाएगी और ये चादर यहाँ तैयार की गई है दरगाह कमेटी के द्वारा और अजमेर के लिए और दरगाह शरीफ के लिए पूरे कमेटी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि दरगाह शरीफ की चादर वहाँ बहादुर शाह जफर जी के मज़ार पे पेश की जाएगी और ये चादर आज रवाना की जा रही है। 23 नवंबर को इस चादर को वहाँ पेश किया जाएगा। यह चादर आगामी 23 नवंबर को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मजार पर पेश की जाएगी। यह तोहफा उस बादशाह के लिए होगा जिसके जहन में मरते दम तक हिंदुस्तान जिंदा रहा और सदियों गुजर जाने के बाद भी जो बादशाह आज तक हिंदुस्तान के जहन में जिंदा है।